हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड टाइम फूडिशियस। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी हेल्दी मुहर्रम स्पेशल मलिदे के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। सिर्फ एक कप गेहूं के आटे से ढेर सारे लड्डू बनेंगे, जो कि बहुत ही हेल्दी है और हम इसे कुछ दिन रखकर खा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें मैंने एक कप आटा डाल दिया है। उसी कप से आधा कप सूजी लेंगे हम, एक कप आटा और आधा कप सूजी लेंगे। तो सूजी डालने से हमारे जो मलिदा है अच्छा खस्ता बनेगा। आधा चम्मच यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है और 3 चम्मच हमने यहाँ पर घी इसमें ऐड करना है। तो घी से हमारे जो मलिदा है बहुत ही खस्ता बनेगा। अब हमें अच्छे से मिक्स करना है इसे, पहले ड्राई मिक्स कर लेंगे इसे। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे मैंने। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका सॉफ्ट सा डो बनाएंगे, क्योंकि हमने इसमें सूजी ऐड की है तो सूजी एब्जॉर्ब कर लेगी पानी को। तो हमें डो थोड़ा सा गीला रखना है, इसे हमने अच्छे से गूंद लेना है जिस तरह हम आटा गूंदते हैं। और इसका डो हमें सॉफ्ट रखना है, अच्छा गीला गीला सा रहना चाहिए। तो इसे मैंने गूंद लिया है और अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा पानी और इसे हम गीला कर देंगे पानी से। और इस तरह से हमने इस पर मुक्की लगाकर इसे हमें ढककर रख देना है। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे। तो ये अच्छे से सूजी भी फूल जाएगी और हमारा डो अच्छे से तैयार हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, तो यहाँ पर मैंने इसमें 1 चम्मच घी ऐड किया है और इसे एक बार फिर से हमें गूंद लेंगे। अच्छे से गूंद के हमें इसे चिकना सा डो बना लेना है। तो ये देखिए हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसके 2 हिस्से करेंगे और 2 बड़े से पेड़े बनाने हैं हमें, क्योंकि हमें मोटी सी रोटी बनानी है इसलिए हमने बड़े बड़े पेड़े बनाए हैं। तो ये देखिए 2 पेड़े बन गए हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। तो एक पेड़ा उठाकर उसे हम सूखे आटे में लगाएंगे और उसे बेल लेंगे। अच्छा सा हमें इसे रोटी की साइज से थोड़ा सा बड़ा बेलना है और ये थोड़ा सा मोटा रहेगा। अब इस पर हम डालेंगे 1 चम्मच घी और इसे अच्छे से हर तरफ स्प्रेड कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा हम डाल देंगे और इस तरह से हम इसे जिस तरह से हम फैन बनाते हैं कागज़ के, उस तरीके से हमें इसे फोल्ड कर लेना है। तो देखिए ये हो गया है। अब इसे हमें इस तरह से राउंड शेप में इस तरह से गोल कर लेना है और इसके हिस्से को इस तरह से हमें दबा लेना है। इसके सिरे को हम दबा लेंगे और चिपका देंगे लोई के अंदर। अब इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसे भी हमें बेल लेना है। तो इस तरह से हम लेयर वाले पराठे बनाएंगे ना, तो हमारा मलिदा बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत ही खस्ता बनेगा। अब हम इसे बेल लेना है, तो अच्छा खासा मोटा हमें बेलना है इसे, बहुत पतला नहीं बेलेंगे वरना बहुत सूखा सूखा सा बनेगा हमारा मलिदा। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है, इतना मोटा है, इसे इतना मोटा रखना है। यहाँ पर मैंने तवा गरम कर लिया था और इसे मैंने इस पर डाल दिया है। जब नीचे का हिस्सा थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तो हम इसे पलट लेंगे। यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है, क्योंकि हमारी जो रोटी है बहुत ही मोटी है और इसमें सूजी भी है तो इसे पकने को थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पहले पकाना है कि ये अच्छे से अंदर तक सेक जाए। साफी की मदद से हम इसे दबा दबा कर सेक लेंगे। जब ये अच्छे से हो जाएगी तब हम इस पर 1 चम्मच घी डालेंगे और सब तरफ फैला लेंगे और इसके बाद हमें इसे पलट लेना है और
जिस तरफ से हमने घी डाला है उस हिस्से को अच्छे से दबा दबा कर हमें सेक लेना है कि उस पर अच्छा सा कलर आ जाए। अब इस तरफ भी हमने घी डाल देना है इस पर और सब तरफ फैला लेंगे घी को और इसे भी पलट लेंगे। अच्छे से दबा दबा कर हम निचले हिस्से को भी अच्छी तरीके से सेक लेना है कि अच्छा सा उस पर गोल्डन कलर आ जाए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी लेयर्स इसके अंदर बनी है। तो बहुत ही खस्ता इस तरह के पराठे बनेंगे हमारे। अब हमें इसे उलट पलट कर देख लेना है, दोनों तरफ से अच्छे सेक गए हैं तो हम इसे निकाल लेंगे और इसी तरीके से दूसरा वाला जो पराठा है हमारा उसे भी हम इसी तरीके से सेक लेना है। तो ये देखिए हमारे दोनों पराठे हो गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक पराठा हम लेंगे और मिक्सर का जार लेंगे और पराठे के हमने टुकड़े करने हैं, बड़े बड़े से टुकड़े करके हम इसे मिक्सर जार में डाल देंगे और इसे हमें दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। ये एक रोटी मैंने पहले एक रोटी को तोड़ लिया है और दूसरी रोटी को हम दूसरी बार में पीस लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से दरदरा सा पीसना है हमें। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और जो दूसरी रोटी है उसे भी हम पीस लेंगे। तो ये देखिए दूसरी रोटी भी मैंने इस तरह से ग्राइंड कर ली है। अब यहाँ पर मैंने एक कप गुड़ लिया है और उसे मैंने छुरी से उसके टुकड़े कर लिए थे, छोटे छोटे से पीसेस में कट कर लिया था और हम रोटी के साथ इसे भी डाल देंगे और इसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स भी हो गया है और हमारा गुड़ भी ग्राइंड हो गया है। अब हम इसे इसमें मिला लेंगे। गुड़ की जगह में आप शक्कर भी ले सकते हैं। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब उसी पैन में मैंने 2 से 3 चम्मच घी डाल दिया है। जब घी गर्म हो जाए तो हम उसमें डाल देंगे बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश जिसे मैंने चॉप कर लिया है और इसे हम अच्छे से मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। इस तरह से हल्के से क्रंची हो जाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेंगे लड्डू के साथ। अब ये हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 3 से 4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। यहाँ पर आप सूखे नारियल को भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। ये सारा काम हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर करना है और अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और ये सारा मिक्सचर जो है हम रोटी के साथ मिला लेंगे। तो कोकोनट से हमारा जो है मलिदे में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। अब यहाँ पर मुट्ठी भर के हम यहाँ से पोर्शन लेंगे, जितना हमारी मुट्ठी में आएगा हमें उतना लेना है और इस तरह से दबा दबा कर इसे हमने टाइट कर लेना है और इसे लड्डू का शेप दे देना है। तो देखिए ये हमारा एक लड्डू तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। अगर आप चाहे तो इसे इस तरह से भी खा सकते हैं, इसे मलिदा कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मलिदे के लड्डू बनाए हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ये लड्डू मुहर्रम में स्पेशली बनाए जाते हैं और आप इसे इस तरह से भी बना सकते हैं। रोज़ाना एक लड्डू इसे आप सुबह में खाएं, बहुत ही हेल्दी रहेगा और आपका पेट भरा भरा सा रहेगा। तो हमारे सारे लड्डू तैयार हो गए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से 1 कप आटे से हमने ढेर सारे लड्डू बना लिए हैं। तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।
और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।